पास लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ी मिली गई जरूर लेबरा की टीम को। दो तीन प्लेयर्स काफी लंबा अपने साथी खिलाड़ी को बताना चाहते हुए जिसके बाद विकेट के लिए खेला गया। क्या बदली गई है
ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हेमंत ने सुनील को होने की कोशिश करी गई थी और यहाँ लंबा तेरी भी लगा गया था लेकिन दूसरों का आगे आए Thank you.
और इस म्यूचुअल ट्रांसिट को क्या अनुभव कर पाएगी दाराकुटी एफसी की टीम या बीएस वर्ष की टीम इस गेंद का रक्षा कर पाएगी और गोलकीपर की पंच अभी आई जरूर और किसी तरह गेंद को डिफ्लेक्ट किया कॉर्नर के लिए अच्छी गोलकीपिंग महान गोलकीपर की ओर से लेबरानी यहां तो एक कॉर्नर की चांसेस दाराकुटी की टीम शॉर्ट कॉर्नर लिया गया वहां अच्छी मिश्रा और ये जमीनी स्तर से कोर्स डालने की कोशिश इस बार गेंद वो टारगेट चली गई और किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं एक नुकसान हो चुकी है लेबरानी के लिए और इस समय विपरीत और मुश्किल परिस्थितियों पर अपने टीम को किस प्रकार हैंडल करती है मुक्तू को ये देखना होगा हालांकि कई मैचेस में मैंने देखा है कि डूबती हुई नैया वो पार लगाई है मुक्तू को छवा प्लेयर है एक मौका मिलेगा वहां और ये जल्दबाजी किए कि और गेंद बढ़ती हुई बिल्कुल गोल पोस्ट से ऊपर पहले भी मैंने कहा था अगर ये क्रिकेट में होता तो यकीन तालियां मिलती लेकिन ये कि फुटबॉल में है तो तालियां नहीं गालियां मिलेंगी अच्छी कंट्रोल गेंद पर लेकिन बहुत जल्द हो रहा है परिस्थिति में रख रहे हैं अपनी जिंदगी बना रहे हैं देखिए काफी खराब स्थिति सेव रखना है कहीं ना कहीं प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है रणनीति है वो तैयार करनी पड़ेगी मौका बना रही है वहां दूर से ली गई की हालांकि एफर्टलेस रेस बिल्कुल अंतिम पलों की ओर और नतीजा बिल्कुल आपके सामने दाराकुटी फुटबॉल क्लब की टीम 1-0 की बढ़त बनाई हुई है जी एस ब्रदर्स लेबरानी के खिलाफ और ये जो मंजर है ये वही चलता रहेगी तो क्यों ना हम छुट्टे भी ना अगला खेलने वाले दोनों टीमों को फिर से आ इन्फॉर्म कर दे ग्रुप सी से महेंद्र ग्रुप और उनका सामना करेंगे अंजना फुटबॉल क्लब महेंद्र ग्रुप एंड अंजना फुटबॉल क्लब नेक्स्ट मैच ग्रुप सी से लाल रोटी और वहां पर दिसंबर दो की अच्छी हजार आ रही थी लेकिन मेर हार लीजिए।